नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस की इस ऑनलाइन क्विज क्विज में। इस क्विज को हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से बहुत ही शानदार आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं दोस्तों। लगातार इस क्विज के माध्यम से आप जुड़े रहे, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। तो शुरू करते हैं। आपके 26 लगभग क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन की आपको लगभग 30 सेकंड से यहाँ पर दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। बहुत से साथी यहाँ आ चुके हैं, एक छोटा सा परिवार हम यहाँ लिए हुए हैं दोस्तों। इस परिवार में आप भी शामिल हो सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप भी जुड़े, अपने साथियों को भी जोड़ने का प्रयास करें। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र इस बात से संबंधित है कि सूचना गतिशील, अविरल एवं अनंत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पंचम सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो होने वाला है, देख सकते हैं आप। बहुत से साथी हमारे बिल्कुल सही जवाब यहाँ दे रहे हैं, कितने ही लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। अपूपा पद्धति के अनुसार पुस्तकों का व्यवस्थापन पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र का निहितार्थ है? तो द्वितीय सूत्र दोस्तों यह बात कहता है कि अपूपा पद्धति के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए भाई, पुस्तकालय का व्यवस्थापन होना चाहिए, पुस्तकों को अरेंजमेंट की जानी चाहिए किस प्रकार से, अपूपा पद्धति के अकॉर्डिंग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अनुक्रमणीकरण एवं सारकरण सेवाएं पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र की पूर्ति करती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चतुर्थ सूत्र, क्योंकि इससे क्या होता है पाठक का समय बचता है। और हमारा चतुर्थ सूत्र भी यही कहता है दोस्तों, सेव द टाइम ऑफ रीडर, यानी कि पाठक का समय बचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विकलांगों के लिए सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करता है? बहुत से साथी जवाब दे चुके हैं, सही जवाब होगा द्वितीय सूत्र। बिल्कुल सही जवाब, यहाँ से लगभग 4 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे बहुत से साथी यहाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो आप भी दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस एक छोटे से परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र यह परामर्श देता है कि स्थानीय स्तर पर पाठकों के बहुमत के अनुकूल नहीं होने वाले ग्रंथों का चयन नहीं करें? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ से तृतीय सूत्र दोस्तों, इस बात का क्या करता है पालन करता है, इस बात को कहता है कि स्थानीय स्तर पर पाठकों के बहुमत के अनुकूल क्या नहीं होना चाहिए भाई, बहुमत के अनुकूल वाले ग्रंथ वहाँ नहीं रखे जाने चाहिए, उस लाइब्रेरी में वो ग्रंथ नहीं होने चाहिए। ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र ग्रंथालय सहयोग पर बल देता है? बिल्कुल सही जवाब होगा द्वितीय सूत्र। अगर आप भी पुस्तकालय सहयोग से रिलेटेड कुछ जानते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर शेयर कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। पुस्तकालय सहयोग क्या है, किस प्रकार इसकी शुरुआत हुई, पहली बार पुस्तकालय सहयोग की जो प्रक्रिया है वो किस किन पुस्तकालयों के मध्य संपन्न की गई, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालयों के नियोजन, प्रबंधन एवं संगठन को निरंतर प्रभावी एवं नियंत्रित करता है, कौन सा सूत्र कहता है भाई, पंचम सूत्र इस बात का पालन करता है, इस बात को कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो होने वाला है, देख सकते हैं आप। बहुत से साथी हमारे बिल्कुल जवाब दे रहे हैं यहां से। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालयों के नेटवर्किंग पर बल देता है? तो द्वितीय सूत्र यहाँ से पुस्तकालय नेटवर्किंग पर बल देता है, बिल्कुल सही जवाब आपका।
इस क्विज़ को बनाने का उद्देश्य यह है दोस्तों कि आप इस क्विज़ को देने के बाद आराम से इसको देख सकते हैं, देखकर अपना आकलन यहाँ से कर सकते हैं, आप इसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आने वाली एग्ज़ाम्स में आप क्या कर सके, बेहतर परफॉर्म कर सके। पुस्तकालय अधिनियम किन पुस्तकालयों के विकास की ओर संकेत करता है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास की ओर ये संकेत करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। पुस्तकालय अधिनियम किसके माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन को समर्थन प्रदान करता है? तो स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण स्थापित करके पुस्तकालय सेवाओं को अनिवार्य बना के सुनिश्चित करते हुए कि धनराशि उपलब्ध हो जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। फाइनल रिजल्ट यहाँ से शो हो चुका है, बट मुझे लगता है कि शायद टेक्निकल इशू आ गया है, इस वजह से क्विज़ आगे स्टार्ट नहीं हो सकेगी। तो हम क्विज़ को दोस्तों पुनः स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये टेक्निकल इशू आ ही जाता है क्विज़ के अंदर। तो बिल्कुल क्विज़ दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है? तो इसके क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है। आप बता सकते हैं कि लेटेस्ट में कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है और इसका नवीनतम राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए दोस्तों, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। किस राज्य में पुस्तकालय उपकर की व्यवस्था नहीं है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 3 राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इसकी व्यवस्था की गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये व्यवस्था नहीं है। पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ तो 1979 में इसको पारित कर दिया गया था दोस्तों, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही आप बता सकते हैं वेस्ट बंगाल के बाद किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ है, जस्ट बाद? आपके जवाब की हमें प्रतीक्षा रहेगी। भारत के किस राज्य में सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ? सही जवाब रहेगा दोस्तों तमिलनाडु में। बिल्कुल सही जवाब यहाँ से तमिलनाडु। कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो कर्नाटक में दोस्तों पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ था 1965 में। साथ ही आप बता सकते हैं 1949 में किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था? किस राज्य में 1965 में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था? दोस्तों उसी प्रश्न को घुमाकर पूछ लिया गया है, कर्नाटक में 1965 में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था। साथ ही आप बता सकते हैं कि
कर्नाटक से पूर्व किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है? जस्ट पूर्व है। आंध्र प्रदेश पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में पारित हुआ? तो आंध्र प्रदेश पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1960 में ये पारित हुआ था दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब। लगभग 17 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक 9 क्वेश्चन हमारे शेष है यहाँ पर। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को भी दोस्तों। इन क्वेश्चंस में भी बेहतरीन मटेरियल आप लोगों के लिए दिया गया है। बहुत से साथी यहाँ सही जवाब दे रहे हैं। किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हुआ है? केरल में पारित हो चुका है, हरियाणा में हो चुका है, कर्नाटक में हो चुका है, बट असम में ये पारित नहीं हुआ है। बिल्कुल सही जवाब। लगभग साथियों के यहाँ सही जवाब आ रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ परसेंटेज के तौर पर। किस राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हुआ है? तो तमिलनाडु में हो चुका है बट दिल्ली में नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में हो चुका है, मणिपुर में हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2006 में ये पारित किया गया था दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से बना है ये, और ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो 1930 में यह प्रारूप प्रस्तुत किया गया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन में। साथ ही आप बता सकते हैं यह प्रारूप कहाँ यानी कि किस जगह प्रस्तुत किया गया था? पुस्तकालय अधिनियम पारित करने वाला नवीनतम राज्य, तो नवीनतम राज्य दोस्तों ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बट आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जो अभी लेटेस्ट में जिसने पुस्तकालय अधिनियम पारित किया है, और वो भारत का 20वां राज्य बना है पुस्तकालय अधिनियम पारित करने में। लगभग 22 क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लिए गए हैं। किस प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर भूमि कर के रूप में संग्रह करने का प्रावधान है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक। कर्नाटक में जो सार्वजनिक पुस्तकालयों से रिलेटेड जो उपज कर लिया जाता है दोस्तों, वो भूमि कर के रूप में लिया जाता है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि ये भूमि कर कितना और किस प्रकार लिया जाता है। किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय सेवाओं हेतु स्वतंत्र रूप से अलग मंत्रालय स्थापित करने का प्रावधान है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो है दोस्तों पुस्तकालय सेवाओं के लिए अलग से स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं हम, एक मंत्रालय स्थापित करने का प्रावधान यहाँ किया गया है इस राज्य के कानून में, पुस्तकालय अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से, और ये क्वेश्चन है महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में राज्य पुस्तकालय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शिक्षा निदेशक। इसका क्या होता है भाई, पदेन अध्यक्ष होता है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका शो होने वाला है, और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा।
किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो गया है? तो दोस्तों दिल्ली में यह नहीं हुआ है, मेघालय में भी नहीं हुआ है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में नहीं है, और छत्तीसगढ़ में यह पारित हो चुका है। बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 26 टॉप क्वेश्चंस। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नए क्वेश्चंस लाने के लिए, कि स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। साथ ही दोस्तों ये स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के स्टडी के लिए सिर्फ मेहनत की जा रही है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।